लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट देखी थी ना, आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। क्या है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। बेसिकली अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें, किसकी बात करें? सर्विस टैक्स की बात करें, तो हम लोगों ने देखा सर्विस मींस एनी एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज। याद आया? अच्छा, लेकिन जब हम चार्जेस की बात करें तो प्रॉब्लम आती है व्हेन द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स इज टू बी कलेक्टेड। कब हम सामने वाले से कहें कि तुम अब हमें सर्विस पर टैक्स दो? वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब सामने वाले को हम लीगली बाउंड कर सकें कि बेटा ये दिस इज द टाइम ऑफ सर्विस, दिस इज द टाइम टू पे द अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। ओके, यानी वो कौन सा ऐसा समय होगा, उस समय को डिटरमाइन करना आज हमारा काम है। पॉइंट मींस टाइम, पॉइंट मींस टाइम टू डिटरमाइन, पॉइंट टू डिटरमाइन क्या, कौन सा टाइम आप निर्धारित करने जा रहे हो, ऐसा कौन सा समय आप निर्धारित करके क्या कर लोगे? अरे हम सामने वाले को मजबूर करेंगे, मजदूर नहीं करेंगे, मजबूर करेंगे कि अब आपका वक्त आ गया है टैक्स देने का, अब टैक्स दे दो। क्लियर है? जब हम लोग का ये कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच नहीं था, सेलेक्टिव अप्रोच था, जब हम लोग का टैक्सेशन का सेलेक्टिव अप्रोच था, उस समय हम नॉर्मली कहते थे ठीक है बेटा जाओ, जब जब पैसा रिसीव करना तब तब पैसा देना। यानी व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर वाज रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम द सर्विस रिसीवर, एट दैट टाइम ही वाज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। बट नाउ द कंडीशन आर रिवर्स्ड, कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब आपको पैसा मिले या ना मिले, मैंने आपको उधार माल बेचा, मैंने आपको उधार माल बेचा, नॉट सर्विसेज, आई हैव सोल्ड द गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट बेसिस, इमीडिएटली सेल्स टैक्स आर टू बी चार्ज्ड। तुरंत सेल टैक्स चार्ज हो जाता है, चाहे सामने वाला बाद में पैसा दे या ना दे। इन द सेम वे, इन द सेम लाइन सर्विसेज को भी लाया गया। सर्विसेज मैंने दे दी, पैसा मिला नहीं मिला, खत्म, देखा जाएगा इसका क्या प्रोविजन है, लेकिन फिलहाल उसी लाइन पर लाया गया है, यानी एक्रूवल सिस्टम पर लाया गया। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यानी टाइम टू डिटरमाइन व्हेन सर्विस टैक्स आर नीडेड टू पे, हमें सामने वाले को बताना है अब ये समय आ गया है कि जब आप सर्विस टैक्स का पैसा दो। कब? दो चीजें। इफ इनवॉइस इज इश्यूड और इनवॉइस इज नॉट इश्यूड, और invoice is issued after prescribed time. हमारे सामने दो केसेस आएंगे, ऑन कर देना, हमारे सामने दो केसेस आएंगे, या तो हमने इनवॉइस इश्यू की होगी या तो इनवॉइस इश्यू नहीं की होगी, या तो हमने इनवॉइस इशू की होगी या तो इनवॉइस इशू, इनवॉइस इशू करने का मतलब कि इट हैज बीन इश्यूड विद इन 30 और 45 डेज, विद इन 30 और सर 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 क्या है ये विद इन 30 और 45 डेज। 30 डेज इज योर नॉर्मल केस, 30 डेज इज योर नॉर्मल केस, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में 45 डेज विल प्रिवेल। यानी 30 डेज नॉर्मल केस है नॉर्मली, और 45 डेज फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इनके केस में एप्लीकेबल है।
और कौन कौन ऐसा बंदा होगा जो इनवॉइस इश्यू करेगा, सर्विस लेने वाला या सर्विस देने वाला? सर्विस देने वाला, सामान बेचने वाला, सामान बेचने वाला, यानी मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आई हैव टू इश्यू माई इनवॉइस विद इन 30 और विद इन 45 डेज ऑफ वॉट, ऑफ वॉट, ऑफ वॉट? आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर, सर्विस कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर अगर मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो ये रूल लगेगा। सर्विस मैंने नहीं दी, मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया, सोचो ना कितना पहले कर दिया, तो भी यही रूल लगेगा। सर्विस खत्म कर दी, सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं, 30 दिन बीत गया, 45 दिन बीत गया, इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ, तो इस केस में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इसमें कोई इश्यू नहीं ना है? कहने का मतलब, जब भी हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे, आर मेन फोकस विल बी ऑन द इशू ऑफ इनवॉइस, वेदर द इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और विद इन 45 डेज विद इन अ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इन केस ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इफ यस देन गो विद दिस वन, इफ नो देन गो विद दिस वन। क्लियर है? अब आगे बात करें, अगर मैंने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दी तो मैं सही हूं या गलत? सही हूं, तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ओ, यानी अगर मुझे इनवॉइस मैंने पहले इश्यू कर दिया, पेमेंट बाद में, सर्विस मैंने खत्म कर दी और सर्विस खत्म होने के 10 दिन के अंदर मैंने इनवॉइस इश्यू कर दी, पेमेंट आया नहीं है, टैक्स लग जाएगा बेटा। मुझे पेमेंट पहले ही मिल गया, सर्विस जैसे ही खत्म की मुझे पेमेंट मिल गया, इनवॉइस मैंने 20 दिन बाद इश्यू की, तो डेट ऑफ पेमेंट। इज इट क्लियर? पेमेंट का मतलब पेमेंट लेना। इज इट क्लियर? दोनों में से जो पहले। लेकिन 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 अगर मैंने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया, सर्विस दे दी, तो बेटा इसका मतलब तुम जबरदस्ती डिले कर रहे हो। सर्विस दे दी हो, किसी न किसी चीज का इंतजार तुम्हें है, तो अब हम वो इंतजार नहीं होने देंगे। डेट ऑफ इनवॉइस की जगह हम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लिख देंगे। बोलो ना, क्योंकि आप लेट कर रहे हो, कंप्लीशन के बाद लेट कर रहे हो, अब हम वो नहीं होने देंगे। अब सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं समझ में आई बात? इन दोनों में से जो पहले होगा दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। यानी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए जो मेरा बेसिक रूल है, मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अब रिसीट बेसिस पर नहीं है कि जब जब पेमेंट मिलेगा तब तब टैक्स लगेगा, वो झंझट खत्म हो चुका है। अब इनवॉइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्रूवल बेसिस पर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं, तो इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन 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 अगर इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इफ इट हैज नॉट बीन इश्यूड विद इन द प्रेस्क्राइब डेट्स, देन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इज इट ओके? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सर 30 डेज कहाँ लगते हैं बेटा? 30 डेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर 30 डेज लगेगा, और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस यू हैव बीन प्रोवाइडेड, यू हैव गिवन एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 डेज। यस और नो? हटा सकते हैं, नोट नहीं करोगे? बच्चे ने कहा कि सर सर्विस देने के पहले अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो हमारा झंझट खत्म हो गया ना, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या कर रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको ढंग से सुनो।
चल सकते हैं, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, तुम लोग हमें बताओगे व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज, इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू कर दी गई लेकिन पेमेंट हमें 30 दिन के बाद मिला, दिस इज योर आंसर ना, कितना आसानी से आगे नहीं। इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज बट पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट क्योंकि पहले मिल गया, कोई दिक्कत है। लेकिन सर एक बात बताइए, हम लोग कर क्या रहे हैं, आखिर गेम खेल क्या रहे हैं, ये इनवॉइस इनवॉइस पेमेंट पेमेंट का गेम क्या है, आखिर पर्पस क्या है? सामने वाले से टैक्स निकालना। सर 2 दिन पहले निकालिएगा तो भी वही टैक्स आएगा, 4 दिन बाद निकालिएगा तो भी वही टैक्स, ना मुन्ना ना। जो ये डेट तुम लोग निकाल रहे हो, इस डेट पर जो टैक्स रेट होगा इफेक्टिव, वो टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डेट ऑफ पेमेंट के दिन टैक्स रेट कुछ और हो, सुन लो, हो सकता है डेट ऑफ पेमेंट के दिन टैक्स रेट कुछ और हो सकता है डेट ऑफ इनवॉइस के दिन टैक्स रेट कुछ और हो सकता है 30 दिन और 45 दिन मैंने पोस्टपोन कर दिया जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट का आ रहा है, टीवी पर दिखा रहा है टैक्स रेट कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, तब देखेंगे, ज़बरदस्ती डिले किया जा रहा है। अब बात समझ में आई कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, हम लोग डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का पर्पज़ क्या है, अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं, रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करना। जो डेट तुम लोग के हाथ में अब आ रही है ना रिजल्टेंट फिगर, उस दिन का जो टैक्स रेट होगा दैट विल बी प्रिवेल टू चार्ज टैक्स, इज इट ओके नाउ? अब तो ये गेम नहीं रहा। थर्ड पॉइंट पूछे, इनवॉइस इज नॉट इश्यूड 30 दिन के अंदर, तो केस नंबर 2, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो जाएगा। इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन 30 डेज, However, part payment is received before the service, before the completion of service, and remaining is after the completion of service. मैं फिर से बोलता हूँ, invoice is not issued within 30 days or 45 days. हाँ या ना? However, 50% मान लेते हैं, payment is received before the completion of service. 50% amount हमें रिसीट हो गया है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एंड 50% जो बैलेंस है दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ कंप्लीशन सुन लो, डेट ऑफ सर्विस मान लेते हैं 15 अगस्त को, और हमारा 50% अमाउंट रिसीट हो गया है, डेट ऑफ कंप्लीशन ये हो गया, अब हमें 50% मिल गया है 10 अगस्त को, तो जो दोनों में से पहले हो यानी 10 अगस्त, और 50% अगर हमें 20 अगस्त को मिला है तो 15 अगस्त। अब बात समझ गए, 50% अमाउंट के लिए 10 अगस्त और 50% अमाउंट के लिए 15 अगस्त, तो दो अमाउंट आएंगे, दो टैक्स रेट्स लगेंगे, दो अलग अलग टैक्स रेट्स लगेंगे, इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्वेश्चन दे हटा दें। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, थर्ड कॉलम डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, बताओ पे और रिसीव्ड दोनों उल्टे वर्ड आ रहे हैं नहीं, पेमेंट रिसीव्ड, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पीओटी। अब बताओ पहला केस, 5th अगस्त 2015, दूसरा कॉलम 20th अगस्त 2015,
एंड थर्ड इज 10th September 2015. दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द आंसर. सेकेंड केस 5th August 2015, 1st of September 2015, 20th August 2015 and 5 अगस्त की क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस गई? हाँ, तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. नहीं समझ में आई बात? क्या 30 दिन कंप्लीशन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो गई? हाँ, तो इन दोनों में से जो पहले होगा. बहुत बढ़िया. क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस गई? ना. तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तेज आदमी हो तुम लोग, पक्का कहीं से कोई कमी नहीं है? हाँ या ना? हाँ भाई. चले आगे. बेसिक चीज समझ में आई, अब फिर से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. अब थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा. हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए रूल्स बने हुए हैं. क्या बने हुए हैं? रूल्स बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011, जिसको हम कहते हैं पॉट रूल्स 2011. क्लियर है? शॉर्टकट में पॉट बोलते हैं. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011. हम लोगों ने अब तक यही देखा, इफ़ द इनवॉइस हैज़ बीन इश्यूड विद इन अ 30 or 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, देन वी विल फॉलो आर नॉर्मल रूल, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इफ़ द इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड विद इन अ 30 days or 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, देन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इज इट ओके? अब तक इसके आगे हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा. लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे केस की जहां सर्विस चल रही है और चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, और ख़त्म होने का समय उसका 3 महीने से ज़्यादा है नॉर्मली, अभी हम उसको पूरी तरह बताएंगे. ऐसी सर्विसेज को हम नाम देते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. ये तो वो सर्विसेज थी जो एक बार दे दी गई, झंझट ख़त्म, फिर दूसरी बार दे दी गई, झंझट ख़त्म. बट उन सर्विसेज का क्या जो एक लंबे ड्यूरेशन तक चलती रहती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. बोलो ना. इसमें दो तरह की सर्विसेज शामिल होती हैं, या तो बात कर लो या तो हमें सर्विस देने दो. कहने का मतलब ये कि दो तरह की सर्विसेज शामिल होती हैं. पहला, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मींस दो सर्विसेज विच आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसीवर नॉट लेस देन 3 months, यानी कि फॉर मोर देन 3 months, 3 months और मोर की अगर कोई सर्विसेज आ गई, दो सर्विसेज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. सुन लो. दूसरा, गवर्नमेंट जिन सर्विसेज को नोटिफाई कर ले, दो सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, दो सर्विसेज को गवर्नमेंट ने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना है. ओनली दीज टू सर्विसेज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. द फर्स्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड द सेकेंड वन इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन है. हाँ बताओ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस किसे कहते हैं? हो गया ना खत्म. तो कौन बताएगा वो?
मैंने कहा दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो कंटिन्यूसली 3 महीने से ज़्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं वो कहलाती हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, दूसरा जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और गवर्नमेंट ने 2 सर्विसेज को नोटिफाई किया है, टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आपके बुक में एक डेफिनेशन दी है लास्ट वन, बिल्कुल लास्ट में, मैं इस डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स, पहले सुन ले, मैं जानता हूँ क्या मुंह में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली ऑन और ऑन अ रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, नॉट लेस देन 3 मंथ्स, या एक्सीडिंग 3 मंथ्स, सही क्या है, इन एक्सेस ऑफ 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, एग्जैक्ट 3 महीना होगा तो नहीं, एक्सीडिंग 3 मंथ्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द पेमेंट पीरियोडिकली और फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई अ नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस टू बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वेयर द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाई दो सर्विसेज, देन द सर्विसेज विल बी नोन एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड राइट नाउ देर आर ओनली 2 सर्विसेज विच आर टू बी नोटिफाइड, विच हैव बीन नोटिफाइड, नॉट आर टू बी नोटिफाइड, विच हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, द फर्स्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड द सेकंड वन इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इज इट ओके। तो अगर आपसे एग्जाम में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का डेफिनेशन आ जाए, आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी मिस्टेक। हाँ, अब आप बोले, कुछ पूछ रहे थे आप तो मैंने बोला ना, वही पूछना था, मैंने तो कहा ना तो पढ़ लेने दो, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है, तो जब पूरा हो जाए बेटा तब पूछो, हम जानते हैं तुम्हारे मुँह से क्या निकलने वाला है और कहाँ निकलेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, इज इट ओके। अब प्रॉब्लम ये आती है सर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या करें। अब तक आपने जो हमें पीओटी रूल्स 2011 में बताया, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज बताई, इफ द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 30 डेज और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, देन द डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, व्हिच एवर इज अर्लियर। इफ इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड विद इन 45 डेज और 30 डेज, देन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने एक नई चीज़ बताई कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस हो, जहां पर 3 महीने से ज़्यादा का केस हो, सर्विसेज कंटिन्यूअस रिकरेंट बेसिस पर हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड सर्विसेज हो, टेलीकम्युनिकेशन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या करेंगे। आई ना बात, अब जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूं, मुश्किल से है तो एक लाइन का जवाब, लेकिन चले, इन अ केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द प्रोविजन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द सर्विस इज डिटरमाइंड। अब आप इतनी लंबी सर्विस दे रहे हो तो हो सकता है पूरी सर्विस या उसके सर्विसेज के पार्ट, होल और पार्ट ऑफ द सर्विस इज डिटरमाइंड पीरियोडिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, पार्ट पार्ट पार्ट, तो हर एक पार्ट को हम एक अलग सर्विस मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑफ एन इवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स द रिसीवर ऑफ सर्विस टू मेक एनी पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच सच इवेंट, ईच सच पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताऊं, चाहे तुम एक नॉर्मल सर्विस की बात करो, चाहे एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करो, दोनों के रूल्स में कोई फर्क नहीं है, कहने के लिए अलग अलग लिखा है लेकिन कॉमन सेंस और दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम है। जब हम किसी छोटे सर्विस की बात करते हैं, जो आज दिया कल खत्म, ब्रोकर हूँ, ब्रोकर ने आपको सर्विसेज दी, टैक्स लग गया, दैट इज फुल एंड फाइनल। लेकिन कब ब्रोकर का माना जाएगा दिस इज द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, आखिर कब मेरे दिमाग में आएगा या तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ कंप्लीशन हो गया, आखिर वो भी तो पता चलना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या है भाई, कब खत्म माने। मैंने कहा बिल्डिंग बना दे, अब वो बिल्डिंग बनाया, सर हो गई, कहाँ हुई, दरवाजा नहीं लगा, अलमीरा नहीं बनी, टाइल्स नहीं लगी, पंखे नहीं लगे, अब इसने सब कर दिया। उसके बाद मैं फिर गया, मैंने कहा ये पॉलिश छूटी हुई है, ये ताला लगना छूट गया है, इसने फिर कर दिया। मैं फिर गया, मैंने कहा दरवाजों को तुमने चमकाया नहीं है, शीशों में गंदगी नजर आ रही है, इसने फिर कर दिया। मतलब कब मानोगे एक सर्विस कंप्लीट हो गई भाई, आखिर कोई तो एक डेट बताओ।
ऐसे तो 4 साल तक लगाते रह जाओगे, सर्विस मानी नहीं जाएगी कंप्लीट हुई, और डिले करना तो तुम्हारा काम है। गवर्नमेंट ने कहा मूर्ख ना बना, वो कह रहे नहीं मूर्ख ना बना, एक काम करो, नॉर्मल केस की अगर बात करें, नॉर्मल सर्विसेज की बात करें, जब आपको अधिकार मिल जाए कि सामने वाले से पेमेंट अब लेना ही लेना है, जब आई विल गेट अ राइट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम योर साइड, इट मींस सर्विस वुड बी डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। क्लियर है? जब मुझे मेरा अधिकार मिलने लगने के अधिकार मिल जाए कि मैं अब आपसे अपना पैसा ले सकता हूं, इसका मतलब सर्विसेज कंप्लीट हो गए। अगर हम एक लंबी सर्विसेज की बात करें जो कई पार्ट में है, और हर एक पार्ट के खत्म होने पर मुझे मेरा अधिकार मिल जाता है पेमेंट रिसीव करने का, इसका मतलब वो पार्ट खत्म, उसका पैसा ले लेना था, और उस पार्ट के खत्म होने के 30 या 45 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो जानी चाहिए। इस पार्ट के खत्म होने के 30 या 45 दिन के अंदर इनवॉइस, सर अगर मैंने पूरे पर इन्वॉइस जारी कर दी तो ठीक है, मान लिया जाएगा एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड इन्वॉइस की डेट आपकी फाइनल डेट होती है। अब बात समझ में आई? क्लियर है? सोचना ही नहीं है तब तो, चाहे पेमेंट मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर इन्वॉइस आपने पूरे की इशू कर दी तो डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अपने आप आ जाता है। इज इट क्लियर? पक्की बात है? डाउट है? 3 मंथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। क्या बात कर रहे हो? सामने वाला पोस्टपोन करता जा रहा है, वो सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। मैंने वही तो एग्जांपल दिया, मैंने इसको कहा बिल्डिंग बनाओ, ऐसे बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैंने कहा पलस्तर नहीं हुआ है, बिना रंग रोगन के हम तुम्हें कैसे पेमेंट दे दें? इट मींस ही हैज नो राइट टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम माई साइड अंटिल और अनलेस ही इज गेटिंग हिज जॉब डन। जब तक वो अपनी जॉब कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसको राइट नहीं मिलेगा। उसने सब कुछ कर दिया, अब ताले नहीं लगे, अब छोटे छोटे जिसको हम बोलेंगे, अभी हम बोलने जा रहे हैं फिल्म सी, यानी कुछ ऐसा दिखावटी काम, छोटे मोटे काम बकाए रखते चले जाना जिससे कि पोस्टपोन हो सके सर्विस टैक्स, उसको नहीं माना जाएगा कि सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। बोले हम? चलो क्लैरिफिकेशन आया है, ढंग से सुनना, मतलब डिटरमिनेशन ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी हम नॉर्मल केस की बात करें। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन वेदर अ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड वुड बी द कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस द सर्विसेज प्रोवाइडर इन अ सिचुएशन टू बी एबल टू इश्यू एन इनवॉइस। यानी हम इस लायक हो जाएं कि हम अपना पैसा निकलवा सकें, और अपना पैसा हम तभी निकलवाने के लायक होंगे जब तक हम अपना इन्वॉइस ना इशू करें। यानी कि अगर मेरे पास राइट आ गया कि मैं अपना इन्वॉइस इशू कर सकूं, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। द सर्विस टैक्स रूल्स रिक्वायर्स दैट इन्वॉइस शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस। द इन्वॉइस नीड टू बी इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सो कंप्लीटेड। जाहिर सी बात, अगर आप इन्वॉइस लिख रहे हो तो इन्वॉइस में अमाउंट तो लिखोगे, बिना इन्वॉइस में अमाउंट लिखे काम चलने वाला नहीं है। द इन्वॉइस नीड्स टू इंडिकेट द अमाउंट वैल्यू ऑफ सर्विसेज, दस इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज सो कंप्लीटेड। दिस वुड इंक्लूड नॉट ओनली द फिजिकल पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बट ऑल्सो द कंप्लीशन ऑफ ऑल अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज, जो तुम्हारे साथ मैंने बात की। सच ऑक्सिलरी सर्विसेज कुड इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक मेजरमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग एक्सेट्रा, विच मे बी एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हर चीज जरूरी है, ताला लगना जरूरी है, रंग रोगन होना जरूरी है, दरवाजे लगने जरूरी है, खिड़कियां लगने जरूरी है, लेकिन लास्ट में एक लाइन बोला है, However, it has been clarified that such activities do not include filmsy or irrelevant grounds for delay in issuance of invoice. Is it clear now? पक्की बात है, सारी चीज अपनी जगह, लास्ट लाइन अपनी जगह। चल सकते हैं आगे। सेम यही चीज तुम लोग कॉपी पेस्ट कर दोगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में, जहां पर पूरी सर्विस की बात नहीं होगी, केवल पार्ट ऑफ द सर्विस, पार्ट ऑफ द सर्विस। इस पार्ट ऑफ द सर्विस को हम एक मान लेंगे, इस पार्ट ऑफ द सर्विस को हम एक सर्विस मान लेंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अब बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में केवल 2 पॉइंट बताए, एक नॉर्मल सर्विसेज की बात बताई, एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात बताई। जब हम नॉर्मल सर्विसेज की बात बताते हैं तो वहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन से 30 या 45 दिन के अंदर अगर हमारा इन्वॉइस इशू हो जाए या ना हो पाए, अगर हो जाता है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं हो पाता तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक तो बात समझ में आई।
ये पर्पस क्या था, ये खेल खेल हम लोग खेल रहे हैं केवल रेट निकालने के लिए, जो खेल खेल रहे हैं हम लोग केवल रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, कि उस दिन जो डेट हमारे सामने अब गिर करके आएगी उसका मेन मोटो होगा उस रेट पर टैक्स लगाना। ये भी बात समझ में आ गई। हाँ, कब माना जाएगा कि कोई कंप्लीट हो चुकी है सर्विसेज, तो इट इज़ वेरी मच डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड द कंडीशन। लेकिन हाँ, ऑल ऑक्सिलरी एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड, ऑल ऑक्सिलरी एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड डजंट मीन एट ऑल टू डिले योर सर्विस टैक्स पेमेंट नोइंगली और डेलिबरेटली। क्लियर है? आप अपने सर्विस टैक्स के पेमेंट को डिले कर सकें ऐसा आपको राइट नहीं दिया गया। क्लियर है? दूसरा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की अगर बात करें तो बड़ी लंबी सर्विस है, कई महीनों तक चलेगी, 3 महीने से अधिक चलेगी, यहाँ गवर्नमेंट ने टेली कम्युनिकेशन सर्विस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। हर एक पार्ट सर्विस का जब तक कंटिन्यूअस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको मान लेते हैं। एक पार्ट कंप्लीट हुआ इसका मतलब आप इश्यू ऑफ इनवॉइस कर सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नाउ यू हैव टू इश्यू योर इनवॉइस टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंप्लीशन ऑफ सर्विस विद इन 30 to 45 days, 30 days और 45 days। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा, जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ। कहानी तो अब समझ में आ गई, लेकिन जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसके लिए बच्चे हैरान और परेशान रहते हैं, वो है चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। वर्ड मैं फिर से पढ़ता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। बहुत आसान है, इसके बाद इस चैप्टर में विश्वास मानो केवल स्टोरीज हैं, मैं पढ़ते चला जाऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो है बस यही है। अगर ये समझ में आ गया तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में कुछ और बचा नहीं। सुन लो, सर्विस प्रोवाइड हो चुकी, उसके बाद चेंज आया टैक्स रेट में, अगस्त 2015 की डेट है जब सर्विस कंप्लीट, और 10 अगस्त की वो दिन जब हमारा टैक्स रेट चेंज हो सकता है। मैंने ये पहले इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग को समझ में आए, सर्विस प्रोवाइडेड हैज डन बिफोर द चेंजेस इन टैक्स रेट, एंड व्हाट अबाउट योर डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। अब सारा का सारा कर्म धर्म इन्हीं दोनों पर डिपेंड रहेगा। अगर ये दोनों इसके पहले हैं तब तो कोई मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं। अपने आप हमारा सॉल्यूशन हमारे साथ डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज लेस, अरे अर्लियर, सॉरी, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब ये दोनों बाद में हो, आफ्टर 10th अगस्त 2015, आफ्टर इस डेट के बाद। बोलो, पक्का ना? सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी जगह सही चल रहे हैं, कानून चाहे नीचे हो, कानून चाहे ऊपर हो, कहीं भी हो, हमें उससे कोई लेना देना, हम अपना हिसाब किताब ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। हमसे तो आपने नॉर्मल रूल में बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू इश्यू योर इनवॉइस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और मैंने रूल को फॉलो किया है भाई, कहाँ गलत हैं? अगर बीच में टैक्स रेट चेंज हो जाए तो मेरी गलती है? नहीं,
नॉर्मल रूल को फॉलो करो। क्या है नॉर्मल रूल? विच एवर इज अर्लियर। हो सकता है ये 12 अगस्त हो तो 10 अगस्त 12 अगस्त, अगर ये 18 अगस्त है तो 12 अगस्त, अगर ये 22 अगस्त है तो 18 अगस्त। इज इट क्लियर? अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड कर ली उसके बाद टैक्स रेट में चेंज आया और उसके बाद हमारा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट है तो हम सही हैं, अगर हमारी डेट ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है तो। इज इट क्लियर? नहीं, नॉर्मल रूल है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि ये आफ्टर, चलो डेट हो 18 अगस्त, नहीं हो सकता, और ये हो 6 अगस्त, तब कहां जाएंगे? ये हो 6 अगस्त और ये हो 18 अगस्त, तब कहां जाएंगे? मुझे बोलने दो, बीच में प्रॉब्लम आ गई है। ये बिफोर और दो, एक बिफोर है और दो आफ्टर है, तो जो आफ्टर आफ्टर है वो सही है। एक बिफोर है, ये भी बिफोर है, तो दो बिफोर हो गए। कौन से हो गए? डोमिनेशन किसका ज्यादा हो गया? तो डेट ऑफ पेमेंट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अगर दो बिफोर हो गए तो जिसका डोमिनेशन है डेट ऑफ इनवॉइस, खत्म हो गया। यहां अर्लियर और आफ्टर मत देखना, खत्म। तीन में से दो बिफोर, दो बिफोर, एक आफ्टर। तो जो बिफोर डेट ऑफ पेमेंट वाला होगा वो होगा डेट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। जो इनवॉइस वाला होगा वो होगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। इज इट क्लियर? पढ़ सकते हैं इसको, अगर चार्ट है तो हाथ में, नहीं है तो मैं लिखता हूं कैसे लिखा हुआ है, ढंग से समझना। सर्विसेज कंप्लीटेड बिफोर चेंजेस इन टैक्स रेट, हाँ या ना? यही तो लिखा है ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा, इनवॉइस इश्यूड आफ्टर, आफ्टर मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद, पेमेंट रिसीट आफ्टर, आफ्टर मतलब टैक्स रेट के चेंज होने के बाद। तो दो दो आफ्टर है, दोनों का डोमिनेंस होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज, ये तो अब तक जानते आए थे। और दूसरा, यही सेम है, प्रायर यानी बिफोर इनवॉइस कब दी गई है? बिफोर दिस डेट, हाँ या ना? बिफोर दिस डेट, 10 अगस्त से पहले, बिफोर दिस डेट, टैक्स रेट चेंज होने के पहले, और ये आफ्टर है। तो अब बिफोर बिफोर दो हो गए, तो कौन सी डेट लेंगे? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, साफ साफ लिखा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो जहां पर दो का डोमिनेंस हो गया, तीन में से दो एक तरफ हो गए, बस वहीं चले जाओ, लेकिन अर्लियर और आफ्टर वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, हाँ या ना? और अगर ये आफ्टर हो गया और ये बिफोर हो गया, पेमेंट पहले मिल गई डेट ऑफ टैक्स रेट चेंज होने के पहले, तो दो दो बिफोर हो गए, तो पेमेंट रिसीट वाला, डेट ऑफ पेमेंट रिसीट। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? हाँ जी, खत्म, वहां पर सिस्टम खत्म, सोचना मना है। क्लियर हुआ? पक्का? डंडना डंडन, बात क्यों करते हो, का खा कर आते हो घर से? मम्मी पापा या तो घर पे मना ही किए हुए हैं कुछ बोलने से, सारी बातें यही होनी है, या तो कुछ ऐसा खा कर आते हो कि बिना बोले चुप रहा नहीं जाता, कुछ है ऐसा? नहीं ना? आपस में क्यों पूछते हो, हमसे पूछो। अगर सर्विस आप
चलो, बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा सरकार को चूना लगाने के लिए, ठेंगा लगाने के लिए। और सरकार ने कहा हम चूने में फंसने वाले, तुम कत्था लगाओ, जर्दा लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम फंसने वालों में से। जरा देखो, सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, दोनों बाद में हैं तो कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट को भी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 30 दिन और 45 दिन, गवर्नमेंट ने खुद बोला है, आप उसके अंदर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो आपका राइट है, पक्की बात है। हमें मालूम है सर्विस मैंने दे दी, पेमेंट मुझे पहले मिल गई थी, इस डेट के चेंज होने के पहले। अब डेट के चेंज होने के पहले टैक्स रेट था 12%, और चेंज होने के बाद हो गया है 10%, कम हो गया। तो मैंने जानबूझकर इनवॉइस को डिले किया, मैंने उस चेंज को हो जाने दिया, उसके बाद हमने इनवॉइस इशू किया। सरकार को 2% का चूना लग गया, लोग करने वाले ये प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब एक दिमाग में ख्याल आ गया कि सर टैक्स रेट बढ़ भी तो सकता है, सरकार कभी ये नहीं देखती कि तुमको फ़ायदा पहुंचा या तुमको रूल बनाने से नुकसान पहुंचा। हमको फ़ायदा पहुंचा या हमको रूल बनाने से नुकसान हुआ, गवर्नमेंट कभी ये नहीं देखती। वो इम्पार्शियल होकर सबके लिए इक्वल रूल बनाती है। अब उसमें गवर्नमेंट का हो सकता है कभी नुकसान हो जाए, कभी हो सकता है तुम्हारा नुकसान हो, लेकिन इम्पार्शियल होकर गवर्नमेंट सबके लिए एक कानून बनाएगी। अब टैक्स प्लानिंग कौन कर सकता है, जब टैक्स रेट घटने वाला हो उनके लिए टैक्स प्लानिंग ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पकड़ा, इसीलिए कहा गया जब दो बार बिफोर आ जाएंगे उनमें से एक को पकड़ लो। अब क्लियर हुआ, अब समझ में आई बात, ऐसा रूल क्यों बनाया गया होगा, ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके। गवर्नमेंट को पहले वाले पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो वो सिस्टम चला ही आ रहा था, हाँ या ना। दो मिनट के लिए चलो हम एक और कंसेप्ट तुम लोग को बताएं। मैंने तुम्हें सर्विस दे दी, मैंने कहा देखिए सामान, मैं अपनी जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, तुम्हें 100 रुपये लूँगा तुमसे। तुमने कहा ठीक। अब 100 रुपये लूँगा, मैंने तुम्हें इनवॉइस इशू कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें इनवॉइस इशू कर दिया है, उसके बाद टैक्स रेट चेंज हुआ, उसके बाद मैंने कहा 102 रुपये दे देना, तुम कहोगे काय का 102, काय का 102, सही दूंगा ना, तुमने इनवॉइस दिया है, बात खत्म हो गई। बिफोर समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, अब हमको तो ज़्यादा मिलने वाला नहीं। और गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, अच्छी बात है, तुमको 100 मिला, तुम 100 पर टैक्स दे दो। तो बस वही बिफोर। दूसरा, हमने तुमसे पेमेंट ले लिया 100 रुपये, इनवॉइस इशू नहीं किया है, टैक्स रेट चेंज हो गया, और उसके बाद अब मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इनवॉइस इशू करूँगा 102 का, तुमको काय का, 100 रुपये ले चुके ना, हो गया ना फाइनल। अब कंसेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया, बात तो वही पड़ी, क्लियर है। अब बोलो, अब कोई पेट में खुजली उजली हो रही तो बोलो, नहीं ना, अरे बोलो ना, खांसी हो रही, खुजली गले में हो रही है, पेट में नहीं हो रही, हाँ बोल, देखो। यहां तक में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। प्रॉब्लम सर, सर्विस आफ्टर द चेंजेस इन टैक्स रेट, यानी सर्विस, सुन लो, कितनी बार मना किया मैंने क्लास में आज, तुम ही दोनों को कितनी बार मना करेंगे, इधर आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ढंग से सुनना, आफ्टर द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, क्या आफ्टर क्या, सर्विसेज हैज बीन गिवेन, सर्विस जो है वो आपने कब दी, टैक्स रेट चेंज हो गया उसके बाद सर्विस दी, उसके बाद इनवॉइस इशू किया, उसके बाद पेमेंट। यारे सर, तो आप कभी तो गए ही नहीं, तब तो फाइल तो कब, सेक्शन पहले क्या था, हम आज किसी को सर्विस दे रहे हैं, 10 दिन पहले टैक्स रेट क्या था, आज ही पेमेंट ले रहे हैं, आज ही सर्विस दे रहे हैं,
दस दिन पहले क्या टैक्स रेट था उससे हमको क्या लेना देना, तब तो ये सीधे विचेवर इज, तब तो आप तो फालतू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये बात ना करिए, खत्म हो गया। प्रॉब्लम कब आएगी? इनके साथ नहीं आएगी प्रॉब्लम, या तो इधर बिफोर हो जाए या तो ये बिफोर हो जाए। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा डोमिनेंस किसका है, आफ्टर है, आफ्टर है तो डेट ऑफ पेमेंट, बात समझ में आई? और आफ्टर है, आफ्टर है तो डेट ऑफ इनवॉइस, बस खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था जो बच्चों को हमेशा उलझाया रहता है, सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये वो लॉजिक है जो टैक्स चुराने के लिए यूज करते हैं लोग, और ये वो लॉजिक है जिससे किसी कंज्यूमर को नुकसान ना होने पाए। मैंने वो भी बता दिया, कंज्यूमर को नुकसान ना होने पाए, दूसरा टैक्स चोरी से बचाया जा सके जानबूझकर प्लानिंग करके, समझे? सर्विस दे दी, पेमेंट हम इनवॉइस इशू कर चुके हैं, जानबूझ करके मैंने पेमेंट बाद में लिया ना, जानबूझ करके मैंने इनवॉइस पहले इशू कर दिया, पेमेंट बाद में मिला उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने जानबूझ कर इनवॉइस पहले इशू कर दिया, मुझे लगा अरे पहले तो रेट ऑफ टैक्स 12% था अब 14% हो गया, इनवॉइस तो मेरे हाथ में पड़ा रहता है, चलो बैक डेट में इनवॉइस काट लो। तो भैया अब इनवॉइस बैक डेट में काटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि टैक्स इस पर लग जाएगा। अब बात समझ में आई? दूसरा टैक्स रेट चेंज हो गया, उसके बाद सर्विस दी, उसके बाद हमको इनवॉइस भी इशू किया और मैंने दिखा दिया पेमेंट हमको रिसीट हो चुका है, पेमेंट हमको रिसीट हो चुका है। अगर पेमेंट रिसीट हो चुका है तो उससे हमको कोई लेना देना, आप दिख सकते हो 10,000 मिल गया, 15,000 मिल गया, बैक डेट पे जाकर के आप अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट कर सकते हो, दो दिन 10 दिन पहले जाकर के वो खत्म कर दिया गया, जो होगा वो डेट ऑफ इनवॉइस, तो आपके बुक्स में जो एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है उनको खत्म कर दिया गया। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही सटीक बैठता है, तुमसे अगर मैंने 100 का वायदा किया है तो अब मैं तुमसे 102 नहीं ले सकता, पक्की बात है, हाँ या ना? दूसरा कि अगर हम अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट्स करके सरकार को चूना लगा सकते हैं तो वो भी काम अब हमको करने नहीं दिया जाएगा। तो सर्विस कंप्लीट होने के बाद टैक्स रेट में चेंज आया हो या सर्विसेज टैक्स रेट में चेंज होने के बाद कंप्लीट हुई, इज इट क्लियर? यानी टैक्स रेट के पहले सर्विसेज कंप्लीट हो गई या सर्विस टैक्स रेट चेंज होने के बाद सर्विस कंप्लीट हुई, दोनों में रूल एक ही लगेगा, जो डोमिनेंस होगा बिफोर बिफोर आफ्टर आफ्टर, दो चीजें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है ना? नोट करना और कर लो। चल सकते हैं आगे, बोल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डील करते समय, अगर पहले कोई सर्विस पर टैक्स नहीं लगता था अब उस सर्विस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया, तो अब हम करें तो करें क्या? सामने वाले से टैक्स लें या ना लें? नई प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है, मुश्किल से एक एक लाइन है, ढंग से सुनना। सेम नॉर्मल कंसेप्ट है, किसी को दुख ना पहुंचे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई टैक्स चोरी ना कर पाए
दोनों चीजें। नो टैक्स शैल बी पेबल टू द एक्सटेंट, उस सीमा तक उस लिमिट तक आपसे कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर इनवॉइस इश्यू कर दी गई है और पेमेंट ले लिया जा चुका है, इसका मतलब सर्विस दी गई या नहीं दी गई कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवॉइस भी चला गया, पैसा भी मिल गया, अब टैक्स रेट में चेंज हो गया है, इसके बाद मैं आपको सर्विसेज दूंगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसे बिल्कुल क्लियर है, यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही रूल बना दिया गया, झंझट खत्म, हाँ या ना। दूसरा, नो टैक्स शेल बी पेबल इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल। जितना पैसा आपने टैक्सेबल होने के पहले ले लिया, उस लिमिट तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सावधान टैक्स चोरों, क्या सावधान टैक्स चोरों, आपको ऐसे टैक्स रेट में चेंज होने के या इफेक्टिव टैक्स रेट में शामिल होने के 14 दिनों के अंदर इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे पेमेंट ले ली, टैक्स रेट में चेंज आ गया और उसके बाद हम दांत दिखा रहे हैं कि पैसा तो मैंने ले लिया, नहीं बेटा 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दो, तो आपको मान लिया जाएगा माफी, क्योंकि आप पेमेंट ले चुके हैं। आपको अगर हम इनवॉइस इशू कर दें तो आपका झंझट खत्म, मेरा झंझट खत्म। तो गवर्नमेंट ने टैक्स चोरों को कहा 14 दिनों के अंदर इनवॉइस इशू कर दो। अगर आप 14 दिनों के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो टैक्स लग जाएगा। मैं फिर पढ़ता हूं, नो टैक्स शैल बी पेबल इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल एंड इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड इनवॉइस हैज बीन इशूड, बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स आर सेम मींस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्स्ट वन सेंटेंस। एंड इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द सर्विस इज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पेमेंट ले लिया, टैक्स रेट आ गया, पहले टैक्स रेट नहीं था, पहले सर्विस माफ थी, उस समय पैसा ले लिया, अब टैक्स लग गया, इसके 14 दिनों के अंदर, टैक्स लगने के 14 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी है। दो केसेस में इनवॉइस, मतलब दो केसेस में टैक्स नहीं लगेगा, इनवॉइस भी इशू कर दी टैक्स रेट के पहले, पेमेंट भी ले लिया टैक्स रेट के पहले चेंज होने के या टैक्स रेट में आने के पहले, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पेमेंट ले ली है, इनवॉइस बाद में इशू की, लेकिन 14 दिनों के अंदर माफ है। लेकिन 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 अगर मैं सेंटेंस को उल्टा कर दूं, इनवॉइस इशू हो चुकी है, टैक्स रेट में चेंज आया, पेमेंट हम बाद में ले रहे हैं, टैक्स लगा देना। उड़ी बाबा, पेमेंट ले चुके 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दो, इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट हम बाद में ले रहे हैं, तो टैक्स लग जाएगा। अब बात समझ में आई, क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन में होता तो पूछता, क्या पूछता, कि पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंजेस इन बिफोर द सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल एंड दिस इज द डेट व्हेन द सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल एंड विद इन 14 डेज इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहला क्वेश्चन। तो तुम लोग कहते नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दें, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑलरेडी, दिस इज द डेट ऑफ टैक्स व्हेन द सर्विस बिकम्स टैक्सेबल एंड विद इन 14 डेज, उल्टा बोल दिया फिर मैंने, पहले क्या लेना था, इनवॉइस हैज बीन इश्यूड, टैक्स रेट पे चेंज आया और पेमेंट रिसीव किया, अब बताओ क्या माफी मिलेगी, नहीं मिलेगी। माफी तो केवल उसी समय मिलेगी जब हमें पेमेंट पहले मिल चुकी हो, टैक्स रेट की डेट है और 14 दिनों के अंदर इनवॉइस इशू कर दी है, दैट्स इट, तभी हमें छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, हाँ या ना। प्रॉब्लम एक और आती है, सर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम एक साथ एक अटैच होती जा रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस में या तो हमने इनवॉइस इशू की होती है या तो इनवॉइस इशू नहीं की होती। अगर हमने इनवॉइस इशू की है विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हमने 30 या 45 दिन के अंदर डेट ऑफ कंप्लीशन के नहीं की हैं, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में यही बताया था, लेकिन वो ईच इवेंट होता है, बस यही फर्क है, क्लियर है? इसके आगे मैंने बताया था इफेक्टिव रेट ऑफ चेंजेस,
इफेक्टिव टैक्स रेट चेंजेस दो बिफोर दो आफ्टर हो तो जो डोमिनेंस रखेगा उसी को लोगे। टैक्स रेट चेंज होने के पहले सर्विस या तो कंप्लीट हो गई हैं और इनवॉइस और पेमेंट बाद में है तो जो दोनों में से पहले हो। सर्विस टैक्स सर्विसेज पहले कंप्लीट हो गई हैं, इनवॉइस पहले है तो डेट ऑफ इनवॉइस। सर्विस टैक्स सर्विसेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं, ये टैक्स रेट है, सर्विसेज पहले ही कंप्लीट हो गई हैं, पेमेंट पहले मिल गया है तो डेट ऑफ पेमेंट। हाँ या ना? चलो, सर्विसेज टैक्स रेट के बाद दी गई हैं, सर्विसेज कंप्लीट आफ्टर द चेंजेस इन सर्विस टैक्स रेट्स, दोनों बाद में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्विसेज बाद में दी गई हैं, ये दोनों पहले हैं तो जो दोनों में से पहले हो। लेकिन सर्विसेज टैक्स रेट में आई उसके बाद एक बिफोर और एक आफ्टर, तो दो आफ्टर है तो डेट ऑफ इनवॉइस अगर बाद में है तो वो, डेट ऑफ पेमेंट बाद में है तो वो। इज इट क्लियर? यहाँ भी समझ में आया? और अब मैंने बताया, अभी अभी जो बताया कि अगर नई सर्विसेज टैक्सेबिलिटी के दायरे में आती है, सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं, तो अगर पेमेंट और इनवॉइस पहले ही इशू हो चुका है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है, टैक्स रेट में आ गई और 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो भी माफ है। इज इट क्लियर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है, इसकी क्लास हम पूरी तरह बाद में लेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कभी कभी हम सर्विस प्रोवाइडर से टैक्स ना लेकर के कलेक्शन को थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए सर्विस रिसीवर से ही टैक्स ले लेते हैं। यानी सरकार तुम ही से ही टैक्स चार्ज कर लेगी, तुम हमसे रिसीव कर रहे हो सर्विसेज, यू आर द सर्विस रिसीवर, इंस्टेड ऑफ पेइंग द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स टू मी, यू विल डायरेक्टली पे द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट, बिकॉज व्हेन यू विल पे इट टू मी आई विल पे इट टू द गवर्नमेंट। द शॉर्टकट इज यू विल डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट। आया ना? तो कुछ केसेस ऐसे हैं जब सर्विस रिसीवर के ऊपर थोपा जाता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो सर्विस टैक्स को गवर्नमेंट को देने के लिए, सर्विस रिसीवर विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो उस केस में इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चार्ज उल्टा हो गया, अब तक चार्ज मेरे ऊपर लगता था, अब चार्ज आपके ऊपर लगने लगा, इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आपको टैक्स कब देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, अब आपके लिए बात कर ले, अब तक तो मेरे लिए बात हो रही थी, अब आपके लिए बात कर ले। तो सर सीधा सा हिसाब है ना, जब हम पेमेंट इसको देंगे तो जितना इसको देना होगा उतना गवर्नमेंट को दे देंगे, यानी डेट ऑफ पेमेंट टू मी विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। बात खत्म। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ये इसको पेमेंट कर रहा है 10 अगस्त 2015 को 10,000 रुपये और सर्विस टैक्स बना 1,400 रुपये। अब इसको ये 11,400 इसको देता गवर्नमेंट, इसने 10,000 इसको दिया और 1,400 गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का इसको दोगे, मेरा हक मार लोगे, वही डेट मानो। नहीं समझे? ये तो नहीं छोड़ेगा तो क्या हम छोड़कर बैठेंगे तुमको? नहीं, सेम डेट। लेकिन 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 फिर इस समय टैक्स चोरों की कमी नहीं है। कंप्लीट हो गई सर्विस, इसने इसको अंदर से पैसा दे दिया अंडर द टेबल और कहा चुप, ये चुप मार करके बैठ गया और गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया आएगा। पैसा जा चुका, हाँ भाई पैसा इसके यहाँ से यहाँ तक जा चुका और गवर्नमेंट दांत दिखाकर बोल रही जब इसको देगा तो मेरे पास आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि पेमेंट जो जाना था वो गया, अब गवर्नमेंट झुंझुना बजाती रहेगी और बाद में ये दिखा देगा नहीं देना पैसा जाओ, तो इसका 1400 भी बच गया, गवर्नमेंट का रूल भी फॉलो हो गया, इसको इसका पैसा मिलना था, ये बैड डेट्स में दिखा देगा, काम हो गया। नहीं समझे? तो गवर्नमेंट का बेटा 3 महीने का मौका देते हैं। कितने महीने का? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 3 महीने के अंदर इसको पैसा दे दोगे तो ठीक, नहीं तो बेटा हमारा तो पैसा दे देना तुम। अरे हाँ भाई, सीधा सा हिसाब है, 3 महीने के अंदर अगर इसको पैसा दे दिया डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के तो ठीक, नहीं तो मेरा पैसा तो हमें दे देना, उसको दो या ना दो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्लियर हुआ? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आया, दैट इज ओवर।
लास्ट रूल एट, रूल एट, हाँ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 2011, रूल एट, नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ कॉपीराइट एक्सेट्रा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हम यूज करने का राइट देते हैं सामने वाले को, और कितनी असमंजस की स्थिति होती है कि सामने वाले ने उस राइट का कितना यूज किया और कितना यूज करना बाकी और कब कब कैसे यूज करेगा कोई नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है ट्रेस करना। हमने तो कोई राइट ही नहीं यूज किया, करेंगे अब गवर्नमेंट को क्या मालूम राइट यूज करके ही सारा कमा रहा है, नहीं पता चल सकता। तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर कंप्लीशन की डेट बीच में ले आए तो हमारे साथ झोलझाल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कंप्लीट कब सर्विस लिया या नहीं लिया। अगर आपने किसी को अपना राइट दिया है यूज करने के लिए, कौन कौन से राइट्स, मैं जरा नाम पढ़ता हूँ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, फलाना डिमाका, तो जो पेमेंट है या इनवॉयस है, जो दोनों में से पहले होगा बात खत्म। यहां पर हम कंप्लीशन की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि कंप्लीशन की बात करके हमको फंसना थोड़ी है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, कंप्लीशन की बात करके हमें फंसना थोड़ी है, तुम दोनों आपस में मिलकर के टैक्स प्लानिंग कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा कितनी कॉपीराइट यूज हुई, कितना ट्रेडमार्क यूज हुआ, कितना पेटेंट यूज हुआ, इम्पॉसिबल टू जज और इम्पॉसिबल टू ट्रेस। और हम अपनी सारी की सारी मैकेनिज्म को उसी में ही लगा दें, जरा ट्रेस आउट करके आओ, तो उससे अच्छा बेटा थोड़ा रूल ऐसा बना दो कि काम अपने आप होने लगे। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, नॉर्मल रूल पर आ गए। डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर कंप्लीशन से कोई लेना देना नहीं है, इनवॉइस इशू किया या नहीं किया उससे कोई लेना देना, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। लास्ट, अगर हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को छोड़ दें, कोई भी ऐसी चीज हो, अब हमारे लिए एसेसिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल है एसेस करना, ट्रेस करना, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ पेमेंट, कुछ भी जहां पर अब इम्पॉसिबल सा सिचुएशन आ जाए, तो एक बेस्ट जजमेंट का पावर दिया गया है एसेसिंग ऑफिसर को, वो डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, पेमेंट की डिटेल सब चेक करेगा, सर्विस के नेचर को देखेगा, उसके बाद जो उसकी इच्छा होगी वो कर देगा, हो गया खत्म, बेस्ट जजमेंट कर दिया, खत्म है चैप्टर। पहला पॉइंट मैंने बताया था नॉर्मल कोर्स में, डेट डेट ऑफ कंप्लीशन के 30 दिन या 45 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में ईच इवेंट को ले लेंगे कंप्लीट सर्विस के केस में, और सर्विस कब कंप्लीट मानी जाएंगी, ये कि जब हमें राइट मिल जाए सामने वाले से पेमेंट लेने का। और ये गेम क्यों खेल रहे हैं, टैक्स रेट निकालने के लिए, इज इट क्लियर। इसके अलावा बोला गया था कि डेट ऑफ इफेक्टिव रेट्स ऑफ चेंजेस, दो आफ्टर दो बिफोर, तो जो आफ्टर जो बिफोर होगा डोमिनेंस पावर उसी को ले लेंगे, इशू ऑफ इनवॉइस और इशू ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, अर्लियर वाला खेल यहाँ नहीं चलने वाला। उसके बाद मैंने बताया था नई सर्विसेज अगर टैक्स रिजिम में आ गई तो क्या होगा, अगर इनवॉइस और पेमेंट पहले हो गया है तो जीरो, पेमेंट पहले ले किया गया है और बाद में 14 दिनों के अंदर इनवॉइस इशू किया गया तो माफ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुम मुझे पेमेंट दोगे तो बाकी गवर्नमेंट को दे देना वही डेट ऑफ पेमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ढोल बजा रही है 3 महीना बीत गया नहीं दिया तुमने, तो गवर्नमेंट को तो दे दो, मुझे दो या ना दो, इज इट क्लियर। लास्ट मैंने बताया अभी कि पेटेंट, कॉपीराइट, देखो कितना सिंपल था, यहाँ पर इनवॉइस, अरे डेट ऑफ कंप्लीशन हमारे लिए बड़ी मुश्किल का काम होता है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर कोई रूल ऊपर वाला ना लग पाए तो सब एसेसिंग ऑफिसर को भगवान मानते हुए छोड़ दो, हो गया खत्म चैप्टर। देखो 1 मिनट लगा खत्म करने में, कितनी देर और कहानी कितने घंटे लगी, 1 घंटा, कितना हो गया, हाँ बोले, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस किस केसेस में होता है, आएंगे, पूरा टॉपिक चलेगा, आएगा।